हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सेंट एंड्रयूज कॉलेज का रेजिडेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जब भी वो इंटरनेशनली यहाँ पर आते हैं सस्कैचवन में, तो उन्हें पता नहीं होता कि क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, और बहुत सारे लोगों को वैसे भी नहीं पता होता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है और साइड में है। और ये सेंट एंड्रयूज कॉलेज ये एज ए रेजिडेंस मशहूर नहीं है, बट यहाँ पर ये एक क्रिश्चियन स्कूल है। यहाँ पे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को उनके क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग थियोलॉजी वगैरह इन सब की नॉलेज दी जाती है। और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पर रेजिडेंस, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवान के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट अगर हाँ, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पढ़ रहे हो एज अ क्रिश्चियन स्टूडेंट, या आप एज ए क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर रहना फ्री होगा। बट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवान के स्टूडेंट के लिए उन्हें फ्री नहीं होता, उनको $450 पे करने पड़ते हैं पर मंथ, विद एवरीथिंग इंक्लूडेड इन यूटिलिटीज। तो सबसे पहले अभी हम आपको दिखा देते हैं चर्च, चर्च का चैपल। तो आइए अभी आपको चैपल लेके चलते हैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे रेजिडेंस ऊपर, जो कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी चैपल ओपन होगा या नहीं, बट लेट्स सी। हाँ, और जब आप यहाँ पर रहते हो तो सैटरडे संडे को आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो, आप ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, जीसस के दर्शन आज मेरी किस्मत में नहीं लिखे थे, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा रात होने से पहले पहले कहीं और दर्शन कर लूं मैं। बट चलो अभी रेजिडेंस ऊपर से दिखाता हूँ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट काम है। जीसस के दर्शन तो हो गए मेरे, राइट? तो चलो अभी आपको रेजिडेंस दिखाते हैं, तो सी या। ये देखो, ये है लॉन्ड्री। अभी आपको लॉन्ड्री दिखाता हूँ इसके अंदर, बट उससे पहले उन्होंने लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट डू लॉन्ड्री। उन्होंने टाइमिंग्स दे रखी हैं 9 AM से पहले या 10 बजे के बाद, बट आप खुद मैनेज करना, आपको जैसे कन्वीनियंट रहेगा करें। और ये है अंदर से लॉन्ड्री रूम, ऐसा है। ये सारे गार्बेज बैग्स हैं, यहाँ पे आप गार्बेज अपना डंप कर सकते हो, और काफी सफिशियंट है, ऐसा नहीं है कि कम है गार्बेज। और ये है लॉन्ड्री मशीन। एक बात यहाँ पे जरूर देखनी है, कि लॉन्ड्री यहाँ पर आपको 1.25 सेंट्स पर राउंड आपको पे करना पड़ेगा। ये फ्री नहीं है, सीओ विलर में फ्री थी जो यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस है, बट यहाँ पे फ्री नहीं है। बट इट्स नॉट दैट मतलब बिग कॉस्ट, क्योंकि आप महीने में अगर 5 बार भी लॉन्ड्री करोगे तो आपका $10 से ऊपर नहीं जाने वाला है, हार्डली आपका $5 ही लगेंगे अगर आप ऐसे करोगे, राइट? और ये है ड्रायर, दो मशीनें। हाँ, काफी ज्यादा लोगों के लिए दो मशीनें या कह लो कि 4 मशीनें कम है, बट लॉन्ड्री कितना भी कोई करता है, राइट? आप हफ्ते में एक बार करते हो, तो उस हिसाब से इन्होंने इसलिए कम रखी हुई है। वो भी ऐसे फालतू में अपने पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते, वो भी सेव करना चाहते हैं, राइट? और हाँ, ड्रायर भी सेम प्राइस है, बट एक ड्रायर जो ये वाला है, ये फ्री है, तो इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। तो आप अगर आप कोई सर्टेन टाइम आपको पता लगे कि हाँ यार इस वक्त मशीन फ्री रहती है, तो उस टाइम पे आप आ जाना, ड्राइव यूज कर लेना और वो वाली मशीन यूज कर लेना, तो आपको $1.25 आपके सेव हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट बिग, बट ठीक है फिर भी। हाँ, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि आपको अगर प्रेस वगैरह करने हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप ड्रायर से कपड़े निकालते हो तो कपड़े गर्म होते हैं, और लाइक तभी अगर आप प्रेस कर लो, जस्ट प्रेस फेर दो, तो वो लाइक काफी अच्छी शेप आ जाती है उनके ऊपर, आपको इतनी ज्यादा हॉट मतलब प्रेस की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने ये भी प्रोवाइड कर रखा है साथ में, क्योंकि यहाँ पर गोरे क्या करते हैं, प्रेस नहीं करते कुछ लोग, वो कपड़े ड्रायर से निकालते हैं, इसके ऊपर रखे, ऐसे ऐसे करा, और फिर उसकी तह लगा दी उन्होंने, और फिर वो उसी को मतलब अपने उधर ड्रॉर में या कबर्ड में ले जाते हैं। तो ये थी लॉन्ड्री। अभी हम चलते हैं वॉशरूम, और वॉशरूम के बाद आपको मैं फिर दिखाऊंगा किचन और रूम। तो लेट्स गो एंड सी यू देयर। तो गाइस, आइए अभी आपको दिखाता हूँ जो सेकंड फ्लोर पे एंड्रयूज रेजिडेंस का वॉशरूम है। तो कुछ ऐसा वॉशरूम आपको मिलेगा सेंट एंड्रयूज कॉलेज में। ये मेरे को वॉशरूम देख के इंडिया के जो हॉस्टल में वॉशरूम्स होते हैं उसकी याद आती है,
कंपार्टमेंट्स ऐसे लगे हुए हैं, ये देखो, और काफी सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपार्टमेंट्स हैं, वॉशरूम्स मतलब शावर लेने वाली जगह, और यहाँ पर भी तो आई डोंट थिंक इतना बिजी होता होगा, तो 6 के 6 ही भर जाते हैं कभी, राइट। और यहाँ पर आप अपना बाकी लोगों ने सामान वगैरह रखा हुआ है, आप भी अपना यूज कर सकते हो, आपको रखना रख सकते हो। तो कुछ ऐसा वॉशरूम है, और हीटेड वॉशरूम है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हीटिंग अवेलेबल है और डिसेंट है, ज्यादा मतलब ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। फॉर अ स्टूडेंट आई थिंक इट्स गुड, है ना, और कंपेयर टू जितने प्राइस रेंज में आपको मिलता है तो इट्स डिसेंट। आपको अभी मैं रूम दिखाता हूँ, और आपको रूम दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो वाली आपको दिखाएंगे। लेट्स गो सी द रूम। गाइज अभी हम आपको दिखा रहे हैं रूम जो आपको पर्सनली मिलेगा यहाँ पर सेंट एंड्रयूज रेजिडेंस के अंदर, और कम इन, आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज जो मेरे को नोटिस हुई है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग आपको मिलेगी रूम के अंदर, जो कि काफी नाइस है और मेरे को अच्छी लगती है, क्लीन करने में भी आसानी रहती है, और स्टूडेंट इतना ज्यादा आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं जो आप एंटर करते ही आपको पता लगा होगा कि काफी बड़ा रूम है, काफी स्पेशियस है, ऐसी कोई लाइक ऐसी नहीं है कि कंजेस्टेड सी फीलिंग आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार दम घुट रहा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, काफी स्पेशियस रूम है। अगर आपको नहीं पता चल रहा वीडियो में, मेरी बात मान लें क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं तो इससे छोटे कमरे में ही रहता हूँ जो कि सीगर व्हीलर है, सीगर व्हीलर से तो ये बड़ा रूम है डेफिनेटली, आई वुड से 1.5 टाइम्स है। और स्टडी टेबल इतना बड़ा आपको दिया गया है, हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लोज़ेट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको शेल्फ के ऊपर कोई चीजें रखनी है वो रख सकते हो, हैंगर के लिए उन्होंने बार भी दे रखा है वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर ये देखो, इन्होंने ये भी एक कबर्ड यहाँ कह लो कि क्लोज़ेट दे रखा है, काफी अच्छा है, और ये नया है बिल्कुल, पुराना नहीं है, इसके अंदर ड्रॉर्स वगैरह भी हैं, शूज वगैरह मर्जी होती है, आई वुड नॉट पुट माई शूज देयर, बट आपकी मर्जी है। और यहाँ पे अगर आप ये ओपन हो जाता है, और आई थिंक आप अपने कपड़े वगैरह भी इसके ऊपर प्रेस कर सकते हो, अगर इसके ऊपर नहीं करने, दिस इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट, क्योंकि ये भी पूरा लाइक प्लेन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे विंडो व्यू आपको दिखा दूं, वो देखो सामने यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत करीब है यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नज़दीक है यूनिवर्सिटी, तो ये आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और जो मैट्रेस है यहाँ पर, जो बेड है वो भी कम्फी है, और यहाँ पर ये देखो आप, ये हीटर है, तो विंटर में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विंडो आप क्लोज कर सकते हो, और ड्रेक्स वगैरह भी लगा सकते हो अगर आपको क्लोज नहीं करनी, जस्ट आपको दिखा देता हूँ। वो बाद में देख लेंगे वो अभी नीचे नहीं आ रहे ये वाले, तो अगर आपको विंडो नहीं लगानी तो आप ड्रेप्स भी नीचे कर सकते हो, राइट। और जैसे कि मैंने कहा, मैट्रेस भी कम्फी है और डिसेंट है, तो अच्छा है रूम। और ये देखो, आपको एक और वुडन क्लोज़ेट भी, वुडन ड्रॉअर भी देते हैं, जिसके अंदर लाइक 4 सेक्शंस है, तो अगर आपको कुछ इसमें सामान रखना है वो भी आप रख सकते हो। तो ये मेरे नॉन एक्वेंटेंस का रूम है, तो वो यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए रह रहा है, क्योंकि उसने यहाँ से सैटन से चले जाना, तो ऐसे ही उसका थोड़ा बहुत सामान है, बट हाँ इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर अ स्टूडेंट। और इसकी एप्लीकेशन आप वो एक स्पेसिफिक ईमेल होती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ईमेल में अपनी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपको ईमेल करना होता है उन्हें कि आई एम इंटरेस्टेड टू लिव हियर, तो वो तब आपको फिर आगे रिप्लाई करते हैं, और आप ऐसे ही आप मतलब पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हो। तो अभी हम इसके बाद किचन देखेंगे, और किचन के बाद आपको दिखाऊंगा लाउंज,
सो लेट्स गो एंड सी द किचन. तो गाइस अभी आपको हम किचन दिखाते हैं, और किचन में जाने से पहले उसके यहाँ पे देखो इन्होंने रूल्स लगा रखे हैं. ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, बस इन्होंने ये लिख रखा है कि आप अपना खाना वगैरह खा के या बनाकर साफ उसी वक्त कर दें. अगर आप नहीं करोगे, गार्बेज वगैरह रख दो, साफ काउंटर वगैरह कर दो, नहीं करोगे तो सब जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको ये चार्ज करेंगे रेंट, जो भी फाइन होगा. और जैसे ही हम अभी एंटर करते हैं, ये देखो ये है स्टोरेज, थोड़ी सी दे रखी है कबर्ड्स वगैरह. अभी यहाँ पे देखो साथ में रूम्स उन्होंने लगा रखे हैं स्लिप्स वगैरह, तो इतनी की स्टोरेज होती है पर रूम. जैसे कि आप ये देखोगे रूम 446, ये लकी रूम है, इसको थोड़ी ज्यादा मिली हुई है स्टोरेज, बट इतनी होती नहीं है. ये देखो ऐसे स्टोरेज, बट इनका वाइड है तो ठीक है, डिसेंट स्टोरेज है फॉर अ स्टूडेंट. आप कौन सा मतलब बीवी बच्चे वाले हो, राइट? तो इस साइड पर अगर आप देखोगे, ये देखो ये है किचन सेंट एंड्रयूज रेजिडेंस की, और यहाँ पर ये देखो अब ये सब चीजें कॉमन है, ये सब चीजें आपको सब जगह मिलती हैं, एग्जॉस्ट फैन ड्रॉर्स, राइट? और ये जो आप देख रहे हो फ्रिज, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे रूम्स 423 से लेके 431, मतलब कि जो इन लोग इन रूम्स में रहते हैं लोग, ये फ्रिज वो ही यूज कर सकते हैं. मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है स्पेस, इतने 5-6 रूम्स हो जाते हैं तो उसके लिए फ्रिज स्पेस थोड़ा कम है. उसके लिए आप अपना मिनी फ्रिज खरीद सकते हो, 22-50 डॉलर्स के अंदर अंदर आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा, अच्छा काम करता हुआ. और यहाँ पर एक और फ्रिज है, ये दूसरे रूम्स के लिए. और अगर आपको अपने बर्तन वगैरह रखने हैं, उन्होंने ये स्टैंड्स दे रखे हैं प्लास्टिक के, आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हो. कोई बर्तन तो किसी के नहीं चुराएगा, आई थिंक क्या तो मैं कह सकता हूँ आपको, वही नहीं चुरा रहा. और ये टोस्टर वगैरह, टोस्टर ये वाला कॉमन है. एंड एक और चीज जो इस रेजिडेंस में है कि जो भी आपका किचन के रिगार्डिंग क्लीनिंग सप्लाई वाला सामान है या और कोई ऐसा वैसा सामान है जो कॉमन है, वो ये वाले लोग आपको रीइंबर्स कर देते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपको डिशवॉशर या स्टोव टॉप क्लीनर या अवन क्लीनर या कुछ भी ऐसा वैसा खरीदना पड़ रहा है या टिश्यूज, राइट, तो वो आपको ये रीइंबर्स कर देंगे और आपको मतलब पैसे वापस मिल जाएंगे, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है. और एक और चीज जो है कि कॉमन एरिया की क्लीनिंग भी वो मेंटेन करते हैं, आप जैसे कि देख सकते हो काफी मेंटेन है, क्लीन है. यू कैन कम, अभी आपको दिखाता हूँ. ये है लाउंज, छोटा सा मीडियम साइज रूम, और यहाँ पे भी एक फ्रिज है. ये रूम नंबर 432-437 उनके लिए है. और लाउंज में अच्छा सा काउच है, आपको अगर मन कर रहा है मूवी देखने का या कोई गपशप लगाने का तो यहाँ पर आप डेफिनेटली लगा सकते हैं. और वहां पर देखोगे टीवी भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और साथ में HDMI केबल्स भी हैं, फुटबॉल टेबल भी है विद 5 बॉल्स, आपको अगर फुटबॉल पसंद है. और AC भी अवेलेबल है लाउंज में, और कबर्ड स्पेस तो उधर है ही. अगर आपको कुछ रखना है एक्स्ट्रा तो आप डेफिनेटली उनको यूज कर सकते हो, वो नीचे वो कबर्ड स्पेस है, राइट. और ये है लाउंज, और यहाँ पे विंडो का भी व्यू आपको दिखा दूं मैं. तो विंडो से बाहर कुछ ऐसा सा व्यू है, ये देखो वो सामने यूनिवर्सिटी है उस साइड पर. काफी सुहावना और अच्छा मौसम है आज, और काफी अच्छा लग रहा है. बट या सो दिस इज द लाउंज, जैसे कि आप देख सकते हैं डीसेंट है, अच्छा है. और ये थी सेंट एंड्रयूज की जो मेन जगहें हैं, आपको हमने वॉशरूम दिखा दिया, रूम दिखा दिया, और कॉमन वॉकवे एरिया दिखा दिया, लाउंज किचन, ये सब चीजें आपको $450 के अंदर पर मंथ मिलता है. सब कुछ इंक्लूडेड होता है, यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीट इसमें सब इंक्लूडेड होता है. और एक और सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के नजदीक है ये, बहुत आप यहाँ से विद इन 5 मिनट्स आप यूनिवर्सिटी की कॉमन एरिया में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे जहाँ पर आप बहुत सारी बिल्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो, फॉरवर्ड सम बिल्डिंग, जियोलॉजी बिल्डिंग, प्लेस भी आलमरे, राइट. अगर हेल्थ साइंस में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको और नजदीक पड़ेगी. और 450 रेंट है यहाँ पर फिलहाल,
आप आई डोंट नो कि आप नेक्स्ट ईयर आओगे तो तब थोड़ा 10-20 डॉलर्स शायद वो बढ़ा दें, बट सो फार 450 डॉलर्स है. एंड इट्स चीपर देन सीगर व्हीलर जो यूनिवर्सिटी की चीपेस्ट रेजिडेंस है उससे चीपर है. और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया रूम का साइज बड़ा है उस उनके रूम से, राइट. एंड इट्स ऑल अबाउट यू, आपको कैसी चीज अच्छी लगती है. और अगर आपको ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है आपके अकॉर्डिंगली, तो देन एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक इट शुड बॉदर यू मच, राइट. सब कुछ चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर और सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी को इतना ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं देता. और अगर कोई किसी को टेंशन देता भी है तो उसके अगेंस्ट एक्शन राइटली एडिक्वेटली लिया जाता है, क्योंकि सेंट एंड्रयूज ये वो नहीं चाहती कि उनकी बाकी सारे कम्युनिटी यू नो बॉदर हो किसी एक जने की वजह से. तो एक अनार के दाने की वजह से पूरा अनार उन्होंने खराब नहीं करना, राइट. तो ये थी सेंट एंड्रयूज बिल्डिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो. तो तब तक के लिए मिलते हैं, सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय.